हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। साथियों, आज है 2 अगस्त 2020 और वार है संडे यानी कि रविवार। मेरे प्यारे साथियों, आज का करंट अफेयर एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन घरेलू रेटिंग एजेंसी यानी कि ICRA के नए प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। ऑप्शन ए एन श्री शिवरामन, ऑप्शन बी ए के प्रसाद, ऑप्शन सी एम सिन्हा और ऑप्शन डी एस चौधरी। साथियों, मेरे घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA के नए जो CEO यानी कि प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे नियुक्त किया गया है वह एन शिवरामन। ऑप्शन ए राइट आंसर है कल के हमारे क्वेश्चन का, एन शिवरामन। साथियों, मेरे एन शिवरामन पूर्व MD और समूह के CEO नरेश टक्कर की जगह लेंगे। यह पद एक वर्ष यानी अगस्त 2019 में नरेश टक्कर के कार्यकाल को समाप्त किए जाने के बाद से खाली पड़ा था। एन शिवरामन के पास इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी L&T के साथ 34 साल काम करने का अनुभव है। तो कल का हमारे क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ऑफ द डे का, उसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए एन शिवरामन। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर एनालिसिस का क्वेश्चन संख्या फर्स्ट। निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री हमीद बाका यको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट और ऑप्शन डी जापान। साथियों, मेरे रक्षा मंत्री थे हमीद बाका योको, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है किस देश का? आइवरी कोस्ट का। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बाका योको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, आइवरी कोस्ट। साथियों, आइवरी कोस्ट के पूर्व प्रधानमंत्री अमाडू गोन कोलबली का अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद से हमीद बाकायोको देश के अंतरिम PM के रूप में सेवा कर रहे थे। हमीद बाकायोको रिपब्लिक पार्टी RDR के संस्थापक सदस्य थे और पार्टी के दैनिक समाचार पत्र ले पैट्री योट के प्रभारी भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता सरकार में वर्ष 2003 से 2011 तक नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वर्ष 2018 में से देश के सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में से एक अबोबा के मेयर भी वह रहे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या दो, निम्न में से कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति सिंगापुर के विपक्षी नेता बने? ऑप्शन ए प्रीतम सिंह, ऑप्शन बी लोकेश कुमार, ऑप्शन सी अनिरुद्ध सिंह और ऑप्शन डी आशीष खेतान। साथियों, सिंगापुर में भारतवासी विपक्ष का नेता बना है और उसका नाम क्या है? प्रीतम सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह ने सिंगापुर की राजनीति में अपना अहम मुकाम बनाया है। और अहम मुकाम क्या बना है? वो भारत के प्रीतम सिंह विपक्ष के नेता बने हैं सिंगापुर की राजनीति में। साथियों, मेरे प्रीतम सिंह को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है। सिंगापुर के इतिहास में पहली यह पहली नियुक्ति है, पहली बार कोई भारतीय विपक्ष का नेता बना है। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने सिंगापुर के आम चुनाव में 93 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रीतम सिंह वर्कर्स पार्टी के महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या तीन, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी थाईलैंड। साथियों, अभी हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है और ली तेंग हुई
किस देश के प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति थे, ताइवान के। ऑप्शन बी राइट आंसर है ताइवान। साथियों ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई ने वर्ष 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। ली तेंग हुई को चीनी विरोध के बावजूद स्वशासित द्वीप में प्रत्यक्ष चुनाव और अन्य लोकतांत्रिक बदलाव लाने के लिए पहचाना जाता है। ली ने ताइवान के लिए एक अलग गैर चीनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया है। इससे चीन नाराज हुआ, जो कि इस द्वीप को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता था। और वर्तमान में चीन का की प्रतिद्वंदिता यानी कि चीन की लड़ाई किसके साथ चल रही है, भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से कौन सा राज्य है तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। साथियों भारत की बात की जाए तो भारत में 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं 29 राज्यों में से तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य जो बना है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। साथियों आंध्र प्रदेश राज्य में तीन राजधानियां बनाई गई हैं। जो न्यायिक राजधानी है उसका नाम है कर्नूल, कार्यकारी राजधानी जो है उसका नाम है विशाखापट्टनम, और गुंटूर को विधायी राजधानी बनाया गया है। इसकी बात की जाए थोड़ा सा सिंपल सा, तो आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन ने 31 जुलाई 2020 को राज्य सरकार के तीन राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। साथियों इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां होंगी, जिसमें आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी, और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी, और हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी ब्राजील। साथियों मेरे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक आयोजित हुई है और इसकी अध्यक्षता जो की है वो की है रूस ने। ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, रसिया यानी कि रूस, इंडिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका है शामिल। तो इनमें अध्यक्षता किसने की है, रूस ने की है। इस बार जो अध्यक्षता की है रूस ने की है। साथियों मेरे फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया है। यह जो बैठक है ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले हुई थी और भारत 2021 में अगली बैठक की मेजबानी करेगा। यानी कि 2020 की किसने की है, रूस ने, 2021 में कौन करेगा, भारत। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्ष 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP जैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीनीकरण हुआ है। ऑप्शन ए 2 वर्षों, ऑप्शन सी 3 वर्षों, सॉरी बी ऑप्शन सी 4 वर्षों और ऑप्शन डी 5 वर्षों के लिए। तो साथियों मेरे समझौते का नवीकरण जो हुआ है वो हुआ है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है 5 वर्षों के लिए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीनीकरण हुआ है। साथियों इस समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किया गया था। इसका नवीनीकरण बाद में वर्ष 2007 और 2015 में किया गया था और फिर से 2020 में किया गया है। क्वेश्चन संख्या 7, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन ए विश्व विजय सप्ताह, ऑप्शन बी सड़क सुरक्षा सप्ताह, ऑप्शन सी विश्व महिला सहयोग सप्ताह, ऑप्शन डी विश्व स्तनपान सप्ताह। तो साथियों 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच जो मनाया जाता है उसका नाम है विश्व स्तनपान सप्ताह। ऑप्शन डी राइट आंसर है विश्व स्तनपान सप्ताह। वर्ल्ड
ब्रेस्ट फीडिंग वीक विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त 1 से अगस्त 7 तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विश्व में स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया के शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट, रेसलर बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल व युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी पंजाब सरकार, ऑप्शन सी हरियाणा सरकार, ऑप्शन डी राजस्थान सरकार। साथियों, बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल व युवा मामले विभाग में उपनिदेशक जो नियुक्त किया है वो क्या है? हरियाणा की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है, हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता देवी को 2 अलग अलग आदेशों में खेल व युवा मामले विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों, इससे पहले हरियाणा सरकार में बबीता फोगाट हरियाणा पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का एनालिसिस। अब बात की जाए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इनमें से किस देश की सरकार ने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम पबजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी मालदीव सरकार, ऑप्शन सी पाकिस्तान सरकार, ऑप्शन डी बांग्लादेश सरकार। और मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं विवेक कुमार आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। साथियों, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए और लाइक बटन पर क्लिक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो भी शेयर कीजिए। साथियों, हमारा वीडियो में कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। डेली वीडियो के लिए, डेली कंटेंट के लिए, डेली PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल QV Competitions को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे